मुंबई के एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बांद्रा के खेड़वारी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर गोलियां चलाई गईं। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात करीबन 11:27 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कपूर अस्पताल में ले जाया गया है। बाबा सिद्दीकी शनिवार रात तकरीबन 9:30 ऑफिस से बाहर निकले थे, तभी एक कार से 3 लोग बाहर निकले। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। उन्होंने 2 बंदूक से 6 राउंड गोलियां फायरिंग की। 2 गोलियां सिद्दीकी के पेट पर और 1 सीने पर लगी। 1 गोली सिद्दीकी के साथ मौजूद शख्स के पैर में लगी, वहीं 2 गोलियां सिद्दीकी के कार पर भी लगी। मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ की आशंका है। गिरफ्तार 2 आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिछले 25 से 30 दिनों से उस इलाके की रेती कर रहे थे। तीनों आरोपियों ऑटो रिक्शा के बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट्स पर आए थे। बाबा की हत्या के बाद एक्टर सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, एक अतिरिक्त टीम तैनात की गई है। घर के बाहर किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमले के वक्त स्ट्रीट लाइट बंद थी, मौके पर सीसीटीवी कैमरा भी बंद था। सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ थी, फिर भी बुलेट शीशे से घुसी। माना जा रहा है कि हमलावरों के पास 9.9 mm की एडवांस पिस्टल भी थी। सिद्दीकी को लगभग 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी गई। उन्हें वाई लेवल की सिक्योरिटी भी मिली थी, फिर भी उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक मामले की जांच कर रहे हैं। CM एकनाथ शिंदे ने कहा, 2 आरोपी पकड़े गए हैं, इनमें से 1 यूपी का था और दूसरा हरियाणा का और तीसरा फरार है। सूत्रों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी एक साथ घर जाने के लिए ऑफिस से निकले थे, लेकिन तभी जीशान का फ़ोन आया था और वापस उनको ऑफिस के अंदर आना पड़ा। हमलावरों ने दोनों को एक साथ मारने की प्लानिंग बनाई थी।